देखो प्रॉब्लम पार्ट 21 रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का आर एस अग्रवाल से, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है। मिश्रण का अर्थ हुआ सोना और तांबा, दोनों को पिघला करके मिला दो तो ये मिश्र धातु हो गया। तो मान लो ये ए सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ये ए और बी क्या है? सोना और तांबा का मिश्रण है। ए भी है सोना और तांबा का, सोना और तांबा को पिघला करके ये पिंड ए बनाया गया है जो सोना और तांबा का मिश्रण कहलाता है। फिर सोना और तांबा को पिघला करके ये पिंड बी बनाया गया है, ये भी हो गया सोना और तांबा का मिश्रण। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। इसमें पिंड ए में सोना और तांबा का अनुपात कितना है? तो 7:2, यानी 7 भाग सोना है तो 2 भाग तांबा है। अगर 7 किलोग्राम सोना है तो 2 किलोग्राम तांबा है। टोटल वजन अगर 7 किलो और 2 किलो 9 किलो मान ले तो 9 किलोग्राम में 7 किलोग्राम सोना 2 किलोग्राम तांबा है। अगर ग्राम में ही मानेंगे 7 ग्राम और 2 ग्राम 9 ग्राम हुआ ना, 9 ग्राम हम इस पिंड का वजन मान ले तो ऐसी स्थिति में 7 ग्राम सोना होगा तो 2 ग्राम तांबा होगा। अनुपात तो यही बतलाता है किसका कितना हिस्सा है। तो 7 हिस्सा है सोना का, 2 हिस्सा है तांबा का, यानी 7 ग्राम सोना होगा तो 2 ग्राम तांबा होगा। 7 × 9 ग्राम का ये पिंड है। उसी तरह दूसरा पिंड के बारे में कहा गया है बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है, यानी पिंड बी में 7:11। इसका अर्थ हुआ जो ये पिंड जो है इसमें 7 भाग सोना 11 भाग तांबा। अगर 1 भाग में 1 ग्राम माने तो 7 ग्राम सोना है तो 11 ग्राम तांबा, यानी 7×11 = 18 ग्राम पिंड का अगर वजन मान ले तो 7 ग्राम सोना 11 ग्राम तांबा हो गया। प्रश्न को समझे। इसके बाद ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर, कुछ ए में इसमें सोना और तांबा मिला हुआ है, मिक्स है, इसमें भी मिक्स है। अब कहता है दोनों में से समान मात्रा को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है, यानी दोनों में से मान लो 1 ग्राम इसमें से ले लो, 1 ग्राम इसमें से ले लो, 1 ग्राम पिंड ए में से, 1 ग्राम पिंड बी में से, टुकड़ा काट लो ये टुकड़ा पिंड सी बना। 1 ग्राम 1 ग्राम कितना हो गया? 2 ग्राम। ये टुकड़ा कितना का हो गया? 2 ग्राम का। तो इसमें सोना और तांबा का अनुपात कितना होगा दोनों में से समान मात्रा में? या तो 1 ग्राम लो तो इसमें भी 1 ग्राम, अगर ये पिंड 7 किलो और 2 किलो 9 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम इसमें से ले लो तो इसमें से 1 किलोग्राम ले लो, यानी समान मात्रा में लेकर के एक नया पिंड सी बनाया है। तो कहा पूछ रहा है इसमें सोना और तांबे का कितना अनुपात होगा ये निकालना है, नया जो बना है। प्रश्न को समझे। तो ये कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं पिंड ए में सोना और तांबा का अनुपात 7:2 है। तो मान लो, माना कि पिंड ए
में ए में 7 ग्राम सोना है तो तांबा 2 ग्राम है मान लेंगे, अनुपात है ना। ऐसा भी मान सकते हैं, माना कि पिंड ए में 7 किलोग्राम सोना है तो 2 किलोग्राम तांबा है, ये भी मान सकते हैं। क्विंटल में भी मान सकते हैं, 7 क्विंटल सोना है तो 2 क्विंटल तांबा है, कुछ भी माना जा सकता है ना। लिखेंगे जैसे पिंड ए में सोना और तांबा का अनुपात कितना है, 7:2, यानी 7 भाग सोना है तो 2 भाग तांबा है पिंड ए में। यानी अगर सोना 7 ग्राम है तो तांबा 2 ग्राम है, तो यही लिखे हैं। अर्थात ए का द्रव्यमान, पिंड ए का द्रव्यमान मीन्स मास, अगर 7 ग्राम, ये 7 ग्राम सोना और 2 ग्राम, 2 ग्राम तांबा, यानी 7 × 2 = 9 ग्राम हो, तो इसका क्या अर्थ हुआ, तो 9 ग्राम सोना प्लस 2 ग्राम तांबा, 9 ग्राम, 9 ग्राम का हो गया ना पिंक के, तो 9 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में कितना सोना है, 9 ग्राम में ये हो गया सोना, हो गया ना, और ये 2 ग्राम हो गया तांबा, तो दोनों का द्रव्यमान 7 × 2 = 9 ग्राम हुआ। तो इसका मतलब अगर हम सोना 7 ग्राम मान ले, तांबा 2 ग्राम, तो 7 × 2 = 9 ग्राम, तो 9 ग्राम में देखो 7 ग्राम सोना है ना, तो 9 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में कितना सोना है, 7 ग्राम है के मिश्रण में 7 ग्राम सोना है, इसीलिए 1 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में कितना सोना होगा, तो एक ही नियम से 7/9 ग्राम सोना है ना, यानी 1 ग्राम सोना प्लस तांबा के मिश्रण में
सोने का द्रव्यमान कितना ग्राम हुआ? एक ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में 7/9 ग्राम सोना है। एक ग्राम यानी एक ग्राम सोना चांदी के मिश्रण में, एक ग्राम सोना चांदी के मिश्रण में सोना का द्रव्यमान 7/9 ग्राम हुआ। 7/9 ग्राम, समझे? इतना पुनः दोनों मिला करके 9 ग्राम है सोना चांदी का। तो 9 ग्राम सोना चांदी के मिश्रण में तांबा कितना है? 2 ग्राम है। तो पुनः चूंकि 9 ग्राम सोना चांदी के मिश्रण में 9 ग्राम सोना जोड़ तांबा, ये मिश्रण में तांबा निकालना है कितना ग्राम है? तो 2 ग्राम है। तो 9 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में 2 ग्राम तांबा है। इसीलिए 1 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में 2/9 ग्राम एक ही नियम से तांबा है ना। अतः 1 ग्राम सोना चांदी के मिश्रण में, अतः 1 ग्राम 2/9 ग्राम सोना तांबा के मिश्रण में तांबा कितना? तांबा की मात्रा, तांबा की मात्रा बराबर 2/9 ग्राम। कितना समझे? इसको उतारिए लोग। इसको समझ गई ना? ये जो बनाया है तो मान लो बिंग ए है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे सोना का संकेत ए यू, कॉपर का होता है सी यू, सी यू कॉपर का संकेत, ए यू सोना का संकेत चांदी। तो 7/2 सोना है 7 भाग, तांबा है 2 भाग। हम लोग क्या किए हैं अभी तक, इसमें मान लिए है 7 ग्राम सोना है तो 2 ग्राम कॉपर है, 7 × 9 ग्राम। पिंड ए का वजन है 9 ग्राम, जिसमें क्या क्या है? 7 ग्राम सोना, 2 ग्राम कॉपर। तो 9 ग्राम में, 7 × 9 ग्राम में 7 ग्राम सोना है। तो 1 ग्राम अगर इसमें से हम लोग काट कर 1 ग्राम निकाल लेंगे तो 1 ग्राम में कितना सोना होगा और कितना तांबा होगा? सोना और तांबा दोनों ने 1 ग्राम में मिला हुआ है, 9 ग्राम में दोनों मिक्स है। तो 1 ग्राम निकालेंगे तो उसी 1 ग्राम में कितना सोना हुआ? तो देखो 9 ग्राम के मिश्रण में 7 ग्राम सोना है, 7 × 9 ग्राम में, तो 1 ग्राम में 7/9 ग्राम सोना निकला है, निकला है ना। उसी 1 ग्राम में तांबा कितना निकला है? तो 9 ग्राम में 2 ग्राम तांबा है, इसीलिए 1 ग्राम में 2/9 ग्राम तांबा है। इसका अर्थ हुआ मिश्रण ए में से अगर 1 ग्राम हम लोग निकाले उसमें सोने की मात्रा 7/9 ग्राम और तांबे की मात्रा 2/9 ग्राम होगा, होगा। Thank you.
इसको समझ गई। 9 ग्राम वाले पिंड ए से 1 ग्राम निकाले जाने पर इसे 1 ग्राम निकालेंगे तो सोने की मात्रा उस 1 ग्राम में 7/9 ग्राम, उसी 1 ग्राम में तांबे की मात्रा 2/9 ग्राम होगा ना। दोनों को जोड़ करके देखो तो 1 ग्राम निकाले हैं तो 1 ग्राम होता है, तो सोना 7/9 ग्राम और तांबा 2/9 ग्राम, दोनों को जोड़ो तो 9 7 2 = 9/9 = 1 ग्राम निकल गया। अब इसी तरह दूसरा पिंड जो है बी, इसमें सोना प्लस तांबा इसका अनुपात है 7/11। मान लो द्रव्यमान बी, सॉरी पिंड बी में सोना और तांबा का अनुपात 7/11 है, इसको ग्राम में माने हैं तो इसको भी ग्राम में ही मानेंगे। तो मान लो इस पिंड का द्रव्यमान अगर 7 ग्राम सोना है और 11 ग्राम तांबा है तो 7 × 11 = 18 ग्राम हो गया पिंड का वजन, मास होगा ना। देखो अगर बी में 7 ग्राम सोना हो और 11 ग्राम तांबा हो, 7 ग्राम सोना तथा 11 ग्राम तांबा हो तो पिंड बी का द्रव्यमान, ये बी को तोलेंगे तो 7 × 11 = 18 ग्राम होगा, यानी पिंड बी का द्रव्यमान बराबर 7 ग्राम जोड़ 11 ग्राम बराबर 18 ग्राम। तो इसका अर्थ है इसमें से अगर हम 1 ग्राम निकाले, कहता है दोनों में से समान मात्रा में निकालिए, इसमें से 1 ग्राम निकाले हैं तो इसमें से भी 1 ग्राम निकालेंगे, उस 1 ग्राम में कितना सोना है और कितना तांबा है पहले ये निकालेंगे। तो क्योंकि पिंड बी के 18 ग्राम में बीते 18 ग्राम में 7 ग्राम सोना है, सोना 7 ग्राम है, इसमें पिंड बी के 18 ग्राम में 7 × 11 = 18 ग्राम में सोना कितना है 7 ग्राम, सोना 7 ग्राम है, इसीलिए पिंड बी के 1 ग्राम में सोना कितना होगा, एक एक नियम से 7/18 ग्राम होगा। पिंड बी के 1 ग्राम में सोना कितना हो गया 7/18 ग्राम। अब पिंड बी के उसी 1 ग्राम जो निकाले हैं सोना है तो उसमें तांबा भी होगा, तो उसी 1 ग्राम में तांबा कितना निकला, क्योंकि पिंड बी के 18 ग्राम में 11 ग्राम तांबा है, तो पिंड बी के 18 ग्राम में तांबा 11 ग्राम है, इसीलिए पिंड बी के 1 ग्राम में तांबा कितना 11/18 ग्राम है।
चलो इसको उतार। अब देखो पिंड भी में से भी एक ही ग्राम निकाले हैं, उस एक ग्राम में पिंड भी के एक ग्राम में सोना निकला 7/18 ग्राम और तांबा 11/18 ग्राम निकला है, निकला है ना। इसको समझान जी, देखो बी में से भी एक ग्राम निकाल लिए हैं, है ना, एक ग्राम इसमें से निकाले हैं, एक ग्राम इसमें से निकाले हैं। अब चित्र को देखो तो ए में एक ग्राम निकाले हैं तो सोना की मात्रा है AU, AU मतलब सोना, ये हो गया 7/9 ग्राम। अब फिर आ जाओ तांबा 2/9 ग्राम, दोनों जोड़ करके 1 ग्राम होता है, ठीक है। अब बी में से 1 ग्राम निकाले हैं, कहता है ना समान मात्रा में निकाल लिया, तब नया मिश्रण सी बनाइए। इसमें से 1 ग्राम निकाले हैं तो पिंड बी से 1 ग्राम निकाले जाने पर सोना उस 1 ग्राम में कितना है 7/18 ग्राम, यानी AU हो गया 7/18 ग्राम और तांबा 11/18 ग्राम। अब दोनों 1 ग्राम 1 ग्राम ले लेंगे तो ये बन गया 2 ग्राम, 1 ग्राम 1 ग्राम दोनों को मिला देंगे तो ये 2 ग्राम हुआ। दोनों को मिक्स कर देंगे तो देखो सोना कितना हो जाएगा 7/9 ग्राम जो 7/18 ग्राम, इस 1 ग्राम में इतना, इस 1 ग्राम में इतना होगा ना। ये जो नया हम सी बनाए हैं नया मिश्रण, तो नए मिश्रण मिश्रण सी में, नए मिश्रण सी के 2 ग्राम में, 2 ग्राम होगा इसका मात्रा, जो बोलो तो 1 ग्राम इसमें से लो, 1 ग्राम इसमें से लो, 1 2 ग्राम का ये बन गया। इस 2 ग्राम में सोना कितना हो गया 7/9 ग्राम जोड़ 7/18 ग्राम होगा। तो मिश्रण सी के 2 ग्राम में सोना 7/9 ग्राम जोर 7/18 ग्राम बराबर हो गया 18 × 7 × 14 = 60, इतना ग्राम 14 × 7 = 21/18 ग्राम, काटेंगे 3 × 7 = 6 = 7/6 ग्राम, समझे। इसको सी में सोना
तो इसमें सोना हो गया सी में ए यू 7/9 जोड़ 7/18 तांबा 2/9 जोड़ 11/18 ग्राम। तो सी के 2 ग्राम में सोना निकल गया 7/6 ग्राम। इस सी के 2 ग्राम में कॉपर कितना हुआ? दो बटा नौ ग्राम जोड़ 11/18 ग्राम, काट करके 5/6 ग्राम हुआ। तो इसमें सोना निकल गया तुमको जोड़ करके 7/6 ग्राम, कॉपर हो गया 5/6 ग्राम। ये सी कैसा मिश्रण है 2 ग्राम का? ऐसा मिश्रण है जिसमें सोना 7/6 ग्राम और तांबा 5/6 ग्राम। कैसे हुआ समझी? अब दोनों का अनुपात क्या है नए पिंड सी में? यही बोल रहा है सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? अतः मिश्रण सी में सोना अनुपात तांबा, सोना कितना हो गया 7/6 ग्राम, 7/6 ग्राम अनुपात तांबा 5/6 ग्राम। इस अनुपात को तोड़ेंगे 7/6/5/6 ग्राम बटा ग्राम कट जाएगा, ये हो गया 7/6 × 6/5 6 कट गया बराबर 7/5 बराबर 7/5 आंसर। सोना और तांबा का अनुपात इसमें कितना निकला? 7/5 यानी 7 भाग सोना है तो 5 भाग तांबा है, समझी? तो इसको उतार लो यहाँ से और अगले पार्ट में दूसरा प्रॉब्लम फिगर भी उतार सकती हो। इसे उतार लो जी। इसमें एक विधि और हम बतलाएंगे अगले पार्ट में, जितना विधि सीखोगे उतनी ही अच्छी बात होगी।